जैसे कि हिंदी को प्रचार प्रसार बढ़ाने में आज फिल्मों का बड़ा योगदान है, गानों के प्रति हो, फिल्मों के माध्यम से जितना फिल्मों का हिंदी को बढ़ाने में योगदान रहा है, साहित्यकार भी इतना चिंतित होता है हिंदी को बढ़ाने के लिए, एक बात। दूसरी बात, हम इस बात को यहाँ के हर फेस्टिवल में उठाते हैं कि आज का जो लेखक है, स्थापित लेखक है, वो स्क्रिप्ट को रोमन लिपि में लिखता है। फिल्म इंडस्ट्री में से कई कलाकार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, मनोज तिवारी हैं, और ऐसे आशुतोष राणा हैं जो देवनागरी में स्क्रिप्ट मानते हैं। हम आज के लेखकों से बात करते हैं कि आप क्यों नहीं करते, आपको शाम मतलब यहाँ प्रसिद्धि पैसा सब इसने दिया है, तो बोलते हैं कि भाई कलाकार साउथ के भी आते हैं तो असुविधा होती है ऐसा वैसा, लेकिन वो कर सकते हैं, जब अमित जी को दे सकते हैं तो उनको भी देना चाहिए। अमित जी जितनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं उतनी ही बढ़िया अंग्रेजी भी बोलते हैं, बाकी लोग अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं जो सचमुच कई दफ़े लगता है कि अभी और बेहतर करना चाहिए था इनको अंग्रेजी में, है ना। तो ये अपना अपना सोच है, और मुझे लगता है ये हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य है। पहले सबसे पहले उर्दू वालों ने जो है ये शुरुआत की कि हिंदी नहीं लिखेंगे। जावेद अख्तर साहब ने तो अक्सर कहा, और राही मासूम रजन, हिंदी कहाँ लिखते हैं, हमको तो हिंदी एक शब्द नहीं आती लिखने। ये बात उन्होंने मुझे अपने खार सांता क्रूज या खार वाला जो उनका फ्लैट था उस फ्लैट में बोला था, उन्होंने धर्म के लिए कोई बातचीत थी, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी कहाँ लिखते हैं, ये तो उर्दू सिनेमा। मैंने कहा अगर उर्दू सिनेमा है तो आप हिम्मत क्यों नहीं करते बोलने की कि आप उर्दू सिनेमा के लिए लिखते हैं, जब आप इतने बोल्ड हैं, आधा गांव का लेखक है ना आप, जब इतना बोल्ड हैं तो ये हिम्मत भी करिए ना, ये हिम्मत भी करिए। और जब आप राजकमल प्रकाशन में हिंदी उर्दू की आपकी किताब सबसे पहले हिंदी में छपती है, उसका केवल उसकी वर्ण मतलब उसको उसका वो भाषा मतलब हिंदी हो जाती है, आप मतलब उसका हिंदीकरण हो जाता है, उर्दू में बाद में छपती, तो आप हल्ला क्यों नहीं मचाते। तो इन लोगों ने अंग्रेजी को हिंदी ना आने पाए, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा उर्दू का साहित्यकार बड़े गहरे ढंग से जुड़ा हुआ था। ये लौट के चले गए, प्रेमचंद लौट के चले गए, अमृतलाल नागर आए, आर्थिक दिक्कत थी उनके पास में, और वो सोचते थे कि कुछ पैसा भी मिलेगा, और उनके पास रेडियो और इसका आकाशवाणी का एक अनुभव भी था, नाटकों से भी अनुभव था, संप्रेषण कैसे, जो बात कहनी है वो डायलॉग हमें लंबा चौड़ा नहीं कहना, लेकिन अगर हमें चार वाक्यों की बात मकसद एक वाक्य में कहना है तो हम कैसे कहेंगे, और बाकी पाठक पर छोड़ेंगे, पढ़ने वाले पर, और दर्शक पर छोड़ेंगे, देखने वाले पर, है ना। तो ये है कि उनको ये असुविधा तब भी झेलनी पड़ी थी कि स्क्रीन प्ले जो है वो अंग्रेजी में होता है, तो एक स्वतंत्र चिंतन जो होता है वो नहीं होता। और तो ये हिंदी सिनेमा के साथ में ये एक विडंबना रही कि उर्दू वालों का जितना गहरा ताल्लुक रहा और जितना सहयोग रहा उसको हिंदी के, क्योंकि हिंदी और उर्दू जुबान में नुक्ते अलग हैं, वो एक अलग चीज़ है, अरबी तो नहीं है पूरी की पूरी, तो कहीं ना कहीं एक मिली जुली भाषा है जिसे हम गंगा जमुनी भाषा कहते हैं, जो सुगंध है उसके अंदर जो है ना, और तो वो भाषा निकल कर के आई और वही भाषा हिंदी सिनेमा की भाषा बनी। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा को लेकर ये बात की थी, तो मैं ज़िद्दी हूँ और मैंने ये बात बड़ी खुल के कही थी। उसका जवाब उन्होंने कहा नहीं अब इसको मिटा दीजिए, रहने दीजिए चित्रा जी। मैंने कहा ये माधुरी के लिए भी एक इंटरव्यू था, नहीं नहीं ऐसा है, वो बिल्कुल मसना था उसी सामंतवादी बुर्ज, एक सामंतवादी जो एक वो होता है ना, वो पहने अंगर खा और वो स्टाइल और पानदान रखा है और ये रखा। मैंने कहा आपको जनवादी और सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करने वाला लेखक माना जाता है, आधा गाँव का लेखक, और आप तो इतनी फिल्मिस्टिक उसमें रहते, तो आप ऐसा कैसे कह सकती। मैंने कहा मैं इसलिए कह सकती हूँ, मैं भी एक बहुत छोटे मोटे रियासत से बाहर आके ये इन कपड़ों में बैठ गई, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन विचारों से ही नहीं आचरण से भी छोड़ना चाहिए। गांधी ने छोड़ा ना,
1915 में आकर अफ्रीका, तो ये था। तो फिर उर्दू सिनेमा कहकर एक पैरेलल सिनेमा खड़ा कर लेते आप, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ये समझौता किया अंग्रेजी को लेकर के, और ना उर्दू रही और हिंदी, तो हिंदी अपनी जगह है, हिंदी तो वो गंगा जमुना को आत्मसात कर लेती है, सरस्वती को, और छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको भी आत्मसात करती है और अपने जल में वो कहलाती, फिर गंगा है अंत में। और तो ये एक हिंदी का जो की प्रकृति रही, हिंदी उसी से बनी, भोजपुरी भी उसमें शामिल है, अवधी भी शामिल है उसमें, और अंतिका और दूसरी मैथिली। आप देखिए जब छत्तीसगढ़ आप सुनिए तो लगता है ये तो हमारी अवधि का शब्द है ना, खाली खई हो जई हो बैठी हो काकर बाटे है ना। और आप जब निमाड़ी सुनेंगे, आप जब वहाँ की मतलब जनपदों की भाषा सुनेंगे, उसका अपना एक कल्चर, वहाँ से शब्द आए कैसे आए, और अंग्रेजी का पेटीकोट के साथ साया कैसे उर्दू का आके के साया पहने, साया खरीद रखे हैं है ना मेला में जाए। तो आप देखिए भाषाएं ये जिद नहीं करती हैं, उनको प्रयोग करने वाला व्यक्ति जिद करता है, और इससे लेकिन आज की जो नई पीढ़ी आ रही जिसको एक तकनीकी प्रशिक्षण लेकर आती, सिनेमा क्या होता है, कैमरे में कैसे देखना, अपनी बात को, आप नाटक है मंच पर है तो इतनी जोर से बोलना है कि आखिरी व्यक्ति तक उसकी ध्वनि जाए, उसके भाव भी जाए उसके साथ, लेकिन जो सिनेमा है उसको आपको इतना वो करके नहीं बोलना, पूरी भंगिमा के साथ ऐसे बोलना है कि केवल आवाज़ ही नहीं, चेहरा सबसे पहले दिखता है, आँखें सबसे पहले दिखती हैं। आप देखिए मुगले आज़म में आँखों गुस्से को उनके दम साधते हुए चेहरे को पृथ्वीराज कपूर के दिखाया, लेकिन आँखों पर कैमरे ने फोकस किया कि आँखें धीरे 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 क्रोध से ज्वाला बन जाती, तब वो कहते अनारकली सलीम तुझे जीने, तुझे क्या हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने क्या है, कुछ ऐसा डालूंगा, अब हम तो इतने बड़े हो गए तो क्या बताएं। तो ये सारी चीज़ें तो, लेकिन हिंदी सिनेमा को कोई रोक नहीं सकता, इन अंग्रेजी में स्क्रीन पे लिखा जाए कोई बात नहीं, वो हिंदी सिनेमा ही बनकर आएगा है ना। और उर्दू मिली है, कोई ये देखने पूछने नहीं जाता कि इसमें उर्दू कितने प्रतिशत मिली है, कितने प्रतिशत लोक भाषाओं का रंग है, वो देखता है, मेरे पाँव में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, तो वो चाल दिखाते, वो लोक जीवन का जो गीत है और वो संगीत है और उल्लास है कि गांव का आदमी जब उल्लास मनाता है तो कैसे मनाता है, कभी घुंघरू नहीं बांधे होंगे, बांध दो तो वो खूब। तो ये हिंदी सिनेमा है हिंदी, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है अब उसमें एक शिकायत मुझे हो रही है भाषा को लेकर कि हिंदी सिनेमा में जैसे कि सोसाइटी के नाम स्टेपिंग स्टोन हो गए, रोज मेरी हो गए, और इस तरह पूरी दिल्ली में लगता है कोई विदेशी कॉलोनी में हम जा रहे हैं, यहाँ भी अब हो रहा होगा, सब बोर्ड चारों ओर देखें आप, हाँ, तो ये चीज़ इसका विरोध नहीं हो रहा है, इससे हिंदी का प्रचार नहीं हो रहा है, केवल आपने मान लिया कि जीवन शैली विदेशियों की हमसे बेहतर है तो हम वो अपना करके गर्वित होते हैं। तो इसी तरह से हम भाषा में जो हाल मिल कर रहे हैं, अंग्रेजी को लेकर के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब शीर्षक भी होने लगे हैं है ना, क्या विमल रॉय की सुजाता शीर्षक रहा तो नहीं चली, तो एक लेकिन फिर भी हिंदी को कोई रोक नहीं सकेगा। आज सूरीनाम जाने के बाद जब मैं वहाँ सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में गई तो सड़क पर जो बारीक बारीक चोटियाँ पहने सुंदर सुंदर लड़कियाँ, ऊंची ऊंचे कद की लड़कियाँ, तो हिंदी सिनेमा देखते हैं तो हमने अंग्रेजी में पूछा और उन्होंने जवाब देखते हैं कौन अच्छा लगता है, सलमान खान है ना, तो सलमान खान का वो कोई फिल्म थी जब प्यार होता, बड़ी चली लंबी ना, सालों चली वो फिल्म, तो उसमें सलमान के से चक्कर लगा के पूछाती मैंने प्यार किया है, उन्होंने दिखाया कि सलमान। तो हिंदी सिनेमा का संगीत ने जो प्रचार किया, संगीतज्ञों ने जो प्रचार किया, गायकों ने जो लता ले गई हैं सुरों को बाहर विदेश में, हिंदी गानों को, जिनके दीवाने मोहम्मद रफ़ी साहब है ना, अल्हड़
गीतों के मतलब सरताज जैसे और किशोर को, तो हिंदी सिनेमा में इन सब का योगदान है। हिंदी का प्रचार प्रसार जितना हिंदी लेखकों ने, मैं वहीं आती हूँ, लेखकों ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारा साहित्य बाहर जाए, हमारा साहित्य सब तक जाए, हमारा साहित्य जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, वो भी हमारा साहित्य सुनकर पढ़े। जब कहानी सुनाई जाती है तो वो कहानी उसको समझ में आती है, उसी की भाषा को जब रेडियो में पढ़े जाती है तो उनको समझ में आती। लेकिन हिंदी साहित्यकार की ये संकीर्णता, जबकि बंगला निकला इससे, है ना, और अड्डों अड्डों तक पहुंचा, गली गली के जो अड्डे हैं वहाँ तक पहुंचा, है ना, कुल्लर की छोटी छोटी चायों तक नाटक पहुंचा उनका हिंदी में। थोड़ा सा ये इस तरह की एक मान्यता ने ही हिंदी के बड़े लेखकों को भी थोड़ा सा समझौता नहीं करने दिया। मुझे लगता है थोड़ा समझौता अगर बंगला राइटरों के की तरह थोड़ा कर लेते तो ये जिद के हम प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, साहित्य को फिल्में बिगाड़ देती, थोड़ा बड़ा मनोरंजन तो होता है। अगर लगान जो 9 अवार्ड्स लाती है, मैं उस समय 42 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जूरी में थी, तो आप देखिए कि वो जो संप्रेषित करना चाहते थे वो पहुंचता है लोगों तक, उसमें लोक जीवन की नाच गाने। और अगर तीसरी कसम मारे गए गुलफाम उस उर्फ तीसरी कसम, तो सजनिया बैरी हो गए हमारे, है ना। तो आप ये देखो कि कितना बड़ा संदेश एक फिलोसफिकल निकल के आता है, है ना। तो थोड़े थोड़े से समझौते चाहे लोक जीवन के बहाने कर लिए जाते तो एक और बेहतर वातावरण हिंदी के साहित्यकार और हिंदी के साहित्यिक कृतियाँ। और हम प्रेमचंद को देखना चाहते हैं लेकिन हम देखते हैं इसमें मोटा होरी कैसे हो गया, इसमें पंकज कैसे होरी बन गए, गुलजार जी ने बना दिया था मोटा पेट और वो निकाले, ये सब आप उस पात्र में प्रवेश कर जाइए ना, मोटा हो पतला हो, गरीब का मतलब ये नहीं है कि अतड़ियाँ दिखती हैं। ये जो जिद है हिंदी साहित्यकारों की, ये बहुत, आप अतड़ियाँ अंदर धंसी हुई आप लिखते तो हैं। अगर मैं भूख कहानी लिखती हूँ और उसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है तो मैं ये क्यों भूल जाऊँ कि मैंने सिर्फ कहानी लिखी और ये झोपड़पट्टी के अनुभव को लिखा है, और एक लेकिन मैं आचरण में नहीं, ना भूखी रह सकती हूँ ना किसी भूखे व्यक्ति को घर में दो दिन रख कर खाना खिला सकती हूँ। ये एक हमारे हिंदी साहित्यकारों को थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न कर लेते, वो अलग से कर लेना बस कल के बारे में। क्या बात, क्या आनंद आ गया है।